पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र का मामला, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, एक सिपाही भी हुआ घायल। पुलिस ने घायल बदमाश को कराया अस्पताल में भर्ती। पकड़ा गया बदमाश कई राज्यों से इनामी है। विनोद पहलवान है बदमाश। एसपी सिटी बोधने रोहन प्रमोद रहे मौजूद। इंस्पेक्टर सिकंदरा कमलेश सिंह, इंस्पेक्टर हरि पर्वत, अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर शरद, अजय कौशल, सर्विलांस प्रभारी नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। देखिए विद्याराम की यह रिपोर्ट। सर, थाना सिकंदरा क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर? देखिए, आज थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का उसे नाम विनोद पहलवान करके बताया है, जो कि कई राज्यों से इनामी अपराधी है। राजस्थान और अलीगढ़ से भी इसके ऊपर इनाम है। कई मुकदमे में यह वांछित है। इसकी अली सिकंदरा में होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। कोई घटना को खारिज करने के लिए जा रहा है, इस तरीके की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस बल, एसओजी की टीम, थाना अध्यक्ष न सिकंदरा, थाना अध्यक्ष हरि पर्वत इत्यादि सभी मौके पर मौजूद थे। इसको रोकने की पुलिस ने कोशिश की, वार्निंग दी गई, फिर इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी इसमें गोली लगी है। साथ ही में जो गवर्नमेंट व्हीकल है थाने की, वहाँ पर उसमें भी गोली इसमें लगी है। जवाबी कार्रवाई में इस अपराधी को गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु इसको एस एन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मौके से एक अदद पिस्टल, 5 खाली खोखे और कुछ जिंदा कारतूस, एक फेटा गाड़ी इसमें से बरामद हुई।